भंडारी से दरख्वास्त करता हूँ कि हम सभी के आधार स्तंभ हमारे प्रेरणा शेट्टी जी के माध्यम से पोईसर जिमखाना में 18 हफ्तों से लगातार हम लोगों ने भगवत गीता शिक्षा अभियान नगर ओवालकर के लिए अर्जुन अवार्डी मलखम के लिए चेंबूर से यहाँ पर अपना ये सम्मान स्वीकार करने के लिए मौजूद है। स्पोर्ट्स बच्चों को का हौसला अफजाई करने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे के करियर के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी अपने आप को भाग्यवान समझते तैयार किया है और इसी वजह से द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर क्रिकेट कोचिंग से उन्हें नवाजा गया है। आगे वाली उनके करियर के लिए भी मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं सांसद गोपाल शेट्टी जी की तरफ से। स्पोर्ट्स क्लब वेयर आर यू गाइस, 262 ओवरऑल पॉइंट्स हासिल किए हैं इस चिल्ड्रंस एकेडमी स्पोर्ट्स क्लब ने, बहुत ही बड़ी बात है। यस, क्वाइट अ फ्यू स्पोर्ट्समैन बीइंग गिवन। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के सम्माननीय सेक्रेटरी आज विशेष रूप में मौजूद है, उनका स्वागत। 1000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुकेश भंडारी ने मुझे बताया कि ये जो मार्च पास में जो बच्चे आए ये सारे लोगों का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 11-12 हज़ार की संख्या हो जाती है। और पेरेंट्स लोगों ने विजिट किया होगा वो संख्या तो और ही है, यानी 15 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों ने ये स्पोर्ट्स इवेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना ये मुंबई शहर के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। सर, जिमखाना द्वारा आयोजित तो ये क्रीड़ा महोत्सव में कुल मिलकर 12-13 हज़ार बच्चों ने भाग लिया और उतने ही पेरेंट्स भी यहाँ पर आए, कुल मिलकर 15 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों ने उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई। बड़े पैमाने पर बच्चों का हौसला बुलंद होता यहाँ पर दिखाई दिया और मैं मानता हूँ कि ये पोईसर जिमखाना द्वारा आयोजित क्रीड़ा महोत्सव आने वाले मुंबई दिनों में मुंबई शहर को एक नई दिशा देने का काम करेगी। और यहाँ से जो बच्चे आगे जा रहे, आपकी जानकारी के लिए राजीव लाड जो यहाँ पर क्रिकेट का कोच एक समय में किया करते थे, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया। इसी उत्तर मुंबई से रोहित शर्मा हो, सिद्धेश लाड हो, पूनम राउत हो, शार्दुल ठाकुर हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में खेले हैं, मलकाम हो और भिन्न भिन्न खेलों में बहुत आगे जा रहे हैं। हमारी ये इच्छा है कि आने वाले दिनों में पोईसर जिमखाना के माध्यम से हम ये खेल प्रतियोगिता को और एक बड़ा स्वरूप दे। जैसे क्रिकेट में पैसा है तो सारे बच्चे क्रिकेट की ओर मुड़ रहे, मेरी इच्छा है कि आने वाले दिनों में कबड्डी खेलने वाले बच्चों के भी हाथ में हारे जीते उनको ट्रॉफी मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन हर प्लेयर के हाथ में कुछ ना कुछ जाए इसका भी एक प्रयास करने का मेरे मन में है। हम बहुत ही जल्दी अगले महीने में उसका शुभारंभ भी करेंगे। और उदाहरण के तौर पर कभी कभी कबड्डी के 2-2 मैच खेलते हैं, एक 500-500 रुपया उनको मिलता है तो 1000 रुपया लेकर घर पर जाएंगे। ऐसे महीने में अगर 8-10 खेल भी वो खेलते तो एक पॉकेट मनी का उनको एक सपोर्ट हो जाएगा। तो ये हम शुभारंभ मैं स्टार्ट करूंगा और जो उत्तर मुंबई में और गोपाल शेट्टी जो स्टार्ट करता है उसको सारे मुंबई के लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ये भी मेरा प्रयास रहेगा आने वाले। लाड ने एक नया मांग की है कि पोईसर जिमखाना में हमें जगह दीजिए क्रिकेट सिखाने के लिए। मैंने उनको कहा कि उन्होंने प्रारंभ यहाँ से ही किया था लेकिन बीच में थोड़ी उनको ऊंचाई प्राप्त हुई तो अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि यहाँ से प्रारंभ करके बड़े हो जाए लोग, लेकिन उनकी इच्छा है। अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने के बाद में उनका कद बड़ा हुआ है तो और बड़े पैमाने पर बच्चे कोचिंग के लिए आएंगे। तो पोईसर जिमखाना ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई गोपाल शेट्टी या तो पोईसर जिमखाना की मालकी की नहीं है, ये कभी भी यहाँ पर कोई भी आके इसका उपयोग कर सकता है तो हम उनको यहाँ पर जगह की व्यवस्था कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।